हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। मैंने अपना पहला ट्रेड ले लिया है, तो आज मोस्ट प्रोबेबली आप लोग को कोई व्लॉग देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि थोड़ा सा कैमरा मेरा काम नहीं कर रहा है और मुझे और भी कुछ काम है। तो मैं आज आप लोग को दिखाता हूँ, देखो ये लाइव ट्रेड करके दिखा रहा हूँ। ये है आज का प्रॉफिट, ठीक है। सॉरी, ये अभी आज का ट्रेड है जो मैंने बाई किया है। 900 क्वान्टिटी मैंने बाई की है, 266 पे बाई की है, और अभी का जो अपना प्रॉफिट है वो चल रहा है अराउंड 350 रुपये का लॉस चल रहा है, कोई प्रॉफिट नहीं चल रहा है। तो अभी 1200 का लॉस था, अभी वो कन्वर्ट होके इतना आ गया है। तो अपन अभी देखते हैं कि ये ट्रेड जो है वो कितना जाता है, ठीक है। मे बी अभी 9:60 हो रहे हैं, अभी 15 मिनट हो गए मैं इसको होल्ड कर रहा हूँ, है ना। अभी अपन वेट करेंगे कि ये प्रॉफिट मेरा टारगेट हिट करेगा या फिर मेरा जो लॉस है वो हिट करेगा, स्टॉप लॉस जो लगा है वो हिट करेगा। तो मेरा जो स्टॉप लॉस है इसमें अराउंड 30 पॉइंट का है, सिर्फ 30 पॉइंट का है। 3000 रुपये का अपना रिस्क है इस ट्रेड में, और उसके बदले में हम लोग कोशिश करेंगे कि अराउंड 1:3 का टारगेट लेके जाएं। हम मिनिमम 90 पॉइंट हम लोग लेके चलें, बाकी मैं होल्ड करूँगा इसको लंबा। देखते हैं कि कितना ये जाता है, क्योंकि आज एक्सपायरी है और आज काफ़ी अच्छा अपने को प्रॉफिट देखने को मिल सकता है, इसलिए हम लोग इसको लंबा होल्ड करेंगे। तो अभी देखते हैं कितने देर में ये कितना पहुंचता है, अपने SL जाते हैं या फिर अपना टारगेट अचीव होता है। तो गाइज अभी भी वही मूवमेंट है और अभी कोई मूवमेंट अपने को देखने को नहीं मिली है, कम्प्लीटली उसी रेंज पे ये रन कर रहा है। और ऊपर का जो टारगेट है, ऊपर का जो मूवमेंट का है, मैंने कॉल बाय इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पे जो अपने को मूवमेंट है काफ़ी ज़्यादा देखने को मिल रही है, ठीक है। तो अभी मैं आपको बताता हूँ कि कैसे हम लोग को इस तरीके के मूवमेंट को कैप्चर करना है। देख लेना, अगर या तो स्टॉप लॉस हिट होगा या तो टारगेट आएगा। तो गाइज अराउंड 2 घंटे हो गए हैं, ठीक है, अराउंड 2 घंटे होने जा रहे हैं, और अब मेरा जो प्रॉफिट है वो एग्जैक्ट अपना 100 पॉइंट का टारगेट हो रहा है, ठीक है। मतलब अपना 1:3 से ज़्यादा का अपने को प्रॉफिट अभी देखने को मिल रहा है। तो यार ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, मैं आप लोग को बता रहा हूँ। आपको बिल्कुल भी बड़ी क्वान्टिटी का ज़रूरत नहीं है। अगर आपको 10,000 रुपये, कुछ लोग क्या करते हैं 500 क्वांटिटी में ट्रेड करते हैं और 20 पॉइंट लेके 10,000 का प्रॉफिट निकालते हैं यार, लेकिन उसमें रिस्क भी तो आपका उतना ज़्यादा रहता है। आपको कोई ज़रूरत नहीं है इतना लेने की, ठीक है। तो अभी बस आप लोग देखो कि अभी देखते हैं मेरा ट्रेड ये कितना लंबा जाता है। 100 पॉइंट तो अराउंड मैंने बुक कर लिए। तो वाइज आप लोग साफ साफ देख सकते हो कि प्राइस अभी भी वहीं पे रन कर रहा है। अभी मुझे वापस से 40 मिनट हो गए हैं इस ट्रेड को होल्ड करते हुए, काफ़ी देर से मैं होल्ड कर रहा हूँ इसको। और मैं आपको पहले ही बताया, या तो मैं आज टारगेट लेकर के जाऊँगा या तो मैं अपना स्टॉप लॉस लेकर के जाऊँगा, ठीक है। देखो अभी भी 90 पॉइंट मुझे मिल रहे हैं। यहाँ पर नया ट्रेडर गलती क्या करता है, देखो पहली बात तो आपके अंदर इतना पेशेंस नहीं है कि आप इतना होल्ड कर सको। जब तक आप सीखे नहीं हो, ठीक है, ट्रेड करना, तब तक आपको यही प्रॉब्लम होगी, ठीक है। और दूसरी चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, मैं अब कमाने के लिए ट्रेड करता हूँ, ठीक है। जब तक आप सीखते नहीं हो, पहले अभी आपको छोटे मोटे नुकसान लेने हैं, क्योंकि आप कमाने के लिए ट्रेड नहीं कर रहे हो, अभी आप सीखने के लिए ट्रेड कर रहे हो, ठीक है। मैं अब कमाने के लिए ट्रेड कर रहा हूँ, तो मैं लंबे लंबे पॉइंट निकाल सकता हूँ, और क्योंकि मेरी हैबिट हो चुकी है, तो इस चीज़ को मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोग इसको मेंटेन नहीं कर पाते तो आपको बड़े नुकसान कंटिन्यू होते हैं। तो अभी अपन वेट करते हैं, देखते हैं कैसा मूव अपने को मिलेगा, उसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। तो गाइस जैसा कि आप लोग देख सकते हो, ट्रेड कितना अच्छा परफॉर्म कर रहा है। अभी का जो मेरे को प्रॉफिट है वो 14,000 रुपये से लेके 15,000 रुपये तक का होगा, ठीक है। बट अभी मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, मैं यहाँ पे प्रॉफिट को जो है बुक करने वाला हूँ। मैं और लंबा होल्ड करता अगर कल जो वेडनेसडे का दिन था उसमें अपने को उतना बड़ा मूवमेंट देखने को नहीं मिलता। आज भी एक्सपेक्टेड है कि मूवमेंट अपने को ऊपर का देखने का मिलेगा, लेकिन अभी थोड़ा सा ज़्यादा टाइम हो चुका है, ठीक है। मैं बस आप लोग को इतना बताना चाहता हूँ, देखो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है कि आप लोग छोटे छोटे लॉसेस में एग्जिट करो और बड़े प्रॉफिट के लिए वेट करो। यहाँ पे देखो सिर्फ 100 क्वांटिटी 3000 रुपये का नुकसान लेकर के, 3000 रुपये का रिस्क लेकर के हम लोग को 15,000 का प्रॉफिट बुक करने को मिल रहा है। तो यार यहाँ से तो मैं आप लोग को बस वही बता रहा हूँ, मैं तो प्रॉफिट बुक ही करूँगा और आगे मैं कोई ट्रेड नहीं लेने वाला हूँ। तो गाइज़ एक बहुत अच्छी चीज़ आप लोग को दिखाना चाहता हूँ और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा आप लोग को, ठीक है। देखो ध्यान से देखो और काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा, एकदम क्लियर कट आपको मैं बता रहा हूँ कि गलती कहाँ होती है। सभी लोगों से जो लोग नए होते हैं ट्रेडिंग में, उनसे गलती कहाँ पे होती है, ठीक है। और ये चीज़ मैं आप लोग को दिखा रहा हूँ, और ये मेंबर ही हैं मेरे ग्रुप के, तो बस मैं आप लोग को इनका नाम डिस्क्लोज़ नहीं करना चाह रहा, बस मैं आप लोग को दिखाना चाह रहा हूँ कि कैसे नया ट्रेडर जो होता है या फिर एक्सपीरियंस ट्रेडर भी गलती क्या करता है। ओके, सबसे पहले तो ये एक ट्रेडर है और जो मेरे प्रीमियम ग्रुप के मेंबर हैं, और यहाँ पे क्या होता है
कि इन्होंने अच्छा खासा कैपिटल रखा था, काफ़ी अच्छा इन्होंने प्रॉफिट किया, ठीक है। तो इन्होंने डायरेक्टली क्या किया है, थर्सडे वाले दिन ये अपने आप की इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पाए, रिस्क को मैनेज नहीं कर पाए, और उसके बाद इनका जो कैपिटल है वो पूरा का पूरा लॉस हो गया, ठीक है। दिखा रहा हूँ मैं आप लोग को, ये देखो ये है आपका लॉस इनका, ठीक है। इनका पूरा मैसेज है कि सर कोई कंट्रोल नहीं रहा मेरा अपने ऊपर, मैं सोच रहा हूँ ट्रेडिंग क्विट कर दूँ, अपने ऊपर नहीं है, मेरा पूरा कैपिटल ख़त्म हो गया, ठीक है। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ इनका कैपिटल, देखो पूरा लॉस है 9,595 रुपये का पूरा लॉस है, ठीक है। और इन इन ऐसा नहीं कि ये प्रॉफिट नहीं बनाते, पहले भी इन्होंने प्रॉफिट बनाया, ये देखो 1836 का प्रॉफिट, और ये सिर्फ 10-12 हज़ार की कैपिटल, 9,000 की कैपिटल से बनाए हैं, ठीक है। ये देखो फिर 2800 का प्रॉफिट, फिर प्रॉफिट, ठीक है। तो ये चीज़ जो है मैं आपको बता रहा हूँ, उसके बाद देखो इन्होंने प्रॉफिट देखो इनका छोटा है लेकिन लॉस इनका बड़ा है, यहाँ पे ये कैपिटल जो है अपना पूरा का पूरा लूज़ कर गए, ठीक है। और अब उनके पास कोई रास्ता नहीं, अब देखो जैसे थर्सडे था आप ट्रेड किए, ट्रेड करने के बाद अब आप देख सकते हो कि यार साफ साफ है कि जब अगर प्रॉफिट मार्केट आपको नहीं दे रहा है ना, तो ज़बरदस्ती आपको लेने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। एक नया ट्रेडर यही गलती कर रहा है, आप लोग को अपना नुकसान छोटा रखना है। देखो वो प्रॉफिट में होल्ड नहीं कर पाते, 1500-1700 रुपये के प्रॉफिट में वो कंटिन्यूसली ट्रेड करते रहते थे और अपना एकदम बाहर आ जाते थे, ओके। बट यहाँ पे क्या है कि उन्होंने वेट ही नहीं किया, उनको लगा ऊपर आएगा ऊपर आएगा, या फिर प्रॉफिट बढ़ेगा बढ़ेगा, और पूरा का पूरा कैपिटल जो है ज़ीरो कर दिया, ठीक है। तो ये बहुत बड़ा आप लोग के लिए सीख है, आप लोग समझो, इनकी गलती से भी सीखो, सेम गलती मैंने की है, मैंने कम से कम 30 बार अकाउंट ज़ीरो किया होगा अपना, और इन गलतियों की वजह से कर जाता। तो एक चीज़ हमेशा याद रखना कि जो आपका लॉस है वो छोटा होना चाहिए, और प्रॉफिट आपका जो है वो बड़ा होना चाहिए। भले कैपिटल बड़ा ना हो, भले फंड बड़ा ना हो, लेकिन आपका जो पॉइंट्स है वो लंबे होने चाहिए, नुकसान छोटे होने चाहिए। तो यार सीखते रहिए, ट्रेड करते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट दिन, जय हिंद।